नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल शुभ गुरुकुल पर। तो लास्ट वीडियो में बताया था टर्टल के बारे में कि लाइब्रेरी क्या होती है और कोडिंग हम कैसे बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको ये भी बताया था कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर आपको कोडिंग करनी है, उसके लिए मैं तीन साइट भी दे दिया था। अगर आपको नहीं मालूम है कि कहाँ से आपको कोडिंग करना है तो आप ऑनलाइन कोडिंग करने के लिए उन तीनों लिंक को देख सकते हैं। मैं उस वीडियो की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप जाकर चेक करें। मैं अपने लास्ट वीडियो में कुछ पाइथन sandbox.com और trinkle.io और एक तीसरी rapid.com, इन तीनों का मैं एग्जांपल दिया था कि आप इन तीनों में से कोई भी साइट चूज कर सकते हैं ऑनलाइन कोडिंग करने के लिए और आपकी फाइल यहाँ पर सेव भी कर सकते हैं। तो मैं ये rapid.com यूज़ कर रहा हूँ, तो आप इसका यूज़ करें तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और बाकी को मैं टैब क्लोज कर देता हूँ और इसी का हम करेंगे। अब ये सारे कोड जो है उसको मैं इरेज कर देता हूँ और मैं अब स्टार्टिंग से आपको कोडिंग सिखाऊंगा कि कैसे कोडिंग करते हैं। ठीक, जैसे कि मैं बताया था कि पाइथन क्या होती है। पाइथन क्या समझना है आपको, एक किताब है। ठीक, और टर्टल क्या है, एक इसी में का एक चैप्टर है। अब जैसे कि अगर आप जब किताब खोलते हैं तो अगर कोई चैप्टर पर आपको जाना होता है तो क्या करते हैं आप, ऐसे इंडेक्स बाय ऐसे सर्च करते हैं और उसको आप ढूंढ कर उस चैप्टर पर ओपन करते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे पाइथन में। अब पाइथन एक बुक है, तो अब पाइथन बुक फिजिकल तो है ना, जिसे हम ढूंढ लें कि उठाकर देखें और ढूंढ लें। और अगर आप ब्राउज़र पर भी यूज़ करें या फिर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करें तो उस पर भी हम ढूंढ तो सकते नहीं, तो इसलिए हम एक बहुत सिंपल कमांड यूज़ करते हैं। क्या लिखते हैं, मैं इसको जितने कमांड लिखूंगा वो रेड कलर से लिख दिया करूँगा। इम्पोर्ट, इम्पोर्ट मतलब बुला लो भाई, इम्पोर्ट कर दो। क्या इम्पोर्ट कर दो, टर्टल चैप्टर। ये क्या है, एक लाइब्रेरी है। तो ये आपकी हमेशा क्या होगी, एक पहली लाइन होगी। ठीक, तो क्या करना है, इम्पोर्ट करना है टर्टल। तो भाई टर्टल चैप्टर इम्पोर्ट हो गया है। अब आगे क्या करना है, अब आर्ट बनाने के लिए क्या ज़रूरत है, आपको एक स्क्रीन चाहिए और क्या चाहिए, एक पेन चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, स्क्रीन और एक पेन। तो इसमें मैं कुछ वेरिएबल्स के नाम यूज़ करूँगा, आप स्टैंडर्ड वेरिएबल का नाम मैं यूज़ कर रहा हूँ करूँगा, मतलब आपको करने को बताऊँगा। और अगर आप अपना नाम या फिर कुछ स्पेशल वेरिएबल देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उन वेरिएबल्स को अगले वीडियो में यूज़ करूँगा और जिससे कि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो टर्टल को इम्पोर्ट कर ले, अब क्या करें, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा अभी ठीक है ठीक है, मैं इसको एक बार क्या करता हूँ अपने कोडिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो विजुअल स्टूडियो, यानी कि मैं थोड़ा सा ये बता दूँ विजुअल स्टूडियो। अब ये क्या होता है, अगर आप मोबाइल पर कोडिंग करना चाहते हैं तो ये आपके लिए नहीं है, लैपटॉप जिनके पास है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, लैपटॉप वालों के लिए है विजुअल स्टूडियो या फिर जुपिटर नोटबुक। ये जिनके पास ये है तो ये लोग पाइथन के लिए, अगर आप इनमें से फिर और कोई कंपाइलर यूज़ करते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा उस पर बताऊंगा कि ये स्क्रीन का वर्किंग कैसे है। तो अभी के लिए मैं यहीं पर बताता हूँ कि पेन, अब भाई पेन आ गया है तो अब हम कैसे करते हैं, मतलब जो एरो है हमारी पेन है, जो पेपर है वो पेपर है। तो क्या करते हैं, कुछ कुछ भी हम तो लिखना जानते हैं लेकिन तो जो मशीन है उसको तो नहीं मालूम है कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है और किस डायरेक्शन में जाना है। तो
सबसे पहले हम लोग स्क्रीन बनाना का स्टार्ट करेंगे कि स्क्रीन कैसे बनेगी। तो इंपोर्ट करने के बाद में आपको क्या बनाना है, स्क्रीन। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, टर्टल डॉट स्क्रीन। और यहाँ पर क्या लगा देंगे, ब्रैकेट। ये क्या है, एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो वो क्या बना देगा, एक स्क्रीन बना देगा, ठीक। अब स्क्रीन, अब इसके अंदर हम थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट जो इसके बीच में लिखते हैं ना, तो वो आर्ग्यूमेंट बोलते हैं हम उसको। तो इसके अंदर हम क्या लिख देंगे, समझ लो कोई 500, 500। अब ये क्या होता है, ये लेंथ और विथ है कि किस शेप में आपकी बुक होगी, ठीक। तो यहाँ पर आप ये भी पास कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको विजुअल स्टूडियो का कोड दिखा देता हूँ, उसके बाद में मैं एक ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसी पे करूँगा, ऑनलाइन कंपाइलर पर। लेकिन मैं एक बार जो लैपटॉप यूज़र हैं उनके लिए विजुअल स्टूडियो पर कोड करके दिखा देता हूँ कि कैसे इंपोर्ट करते हैं और कैसे करते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप पाइथन इंस्टॉल कर लिए होंगे अपने विजुअल स्टूडियो में, अगर आपको पहले से आती है थोड़ा बहुत। नहीं तो आप ऑनलाइन कंपाइलर का यूज़ करें, बेझिझक, अगर आपको जीरो से स्टार्ट करना है। बाद में मैं यही बताऊंगा कि पाइथन को इंस्टॉल करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंटिस्ट जितने लोग होते हैं तो सारे इसी सब चीज़ें में यूज़ करके बनते हैं, पाइथन की लाइब्रेरी का यूज़ करके ही। तो मैं सबसे पहले आपको लेकर चलता हूँ, मैं ओपन करता हूँ VS कोड, अर्थात विजुअल स्टूडियो। कुछ देर में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर कई सारे फाइल्स में मतलब कि कुछ कोड कर रहा था तो उस पर मैं कर दिया था, तो मैं कंट्रोल न्यू दबाकर नई फाइल क्रिएट कर दिया हूँ और एक पाइथन अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेट कर दे रहा हूँ। आपको अगर कुछ नहीं मालूम तो बिल्कुल जो कोड मैं यहाँ पर लिखूंगा आप अपने ब्राउजर पर आराम से यूज कर सकते हैं, मैं वहां पर भी कोड करके दिखा दूंगा। सबसे पहले मैं क्या लिखा था, इम्पोर्ट, क्या करना है, इम्पोर्ट टर्टल, ठीक। और उसके बाद में क्या करना है, हमको भाई स्क्रीन अब चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, टर्टल डॉट गेट स्क्रीन, ठीक। और अब स्क्रीन जैसे कि स्टार्ट हो गई, तो मैं इसको एक बार सेव करके फाइल रन करके आपको दिखाता हूँ कि क्या होगा, बेसिक टर्टल। मैं एक काम करता हूँ, टर्टल बेसिक लिख देता हूँ, अगर बाद में फिर और कोई कोडिंग इस पर करना होगा तो फिर इसी पर कर दूंगा, टर्टल बेसिक, ठीक। अब इसको रन करने के लिए मैं यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन जूम कर देता हूँ, हाँ, और इस साइड की चीजें आप बंद कर देता हूँ, ठीक। अब मैं इसको रन कर देता हूँ, रन कोड। तो आप कुछ देर बाद देखेंगे कि यहाँ पर एक विंडो ओपन होकर आ जाएगी, ये आप शायद नहीं ध्यान दें, मैं विंडो को थोड़ा सा पीछे करके दिखाता हूँ, मैं एक बार फिर से रन कर देता हूँ। वो आप यहाँ पर एक देखेंगे, यहाँ पर ध्यान देखें से देखेंगे तो क्या होगा, ये एक ब्लिंक हुआ और सामने से जो एक फाइल ओपन हुई और वो फिर गायब हो गई स्क्रीन। तो वो स्क्रीन क्या थी और वो क्यों नहीं रुकी, वो भी हम बात करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि जो जैसे कि हम पेपर जब खरीद ला कर आते हैं तो वो पेपर कुछ दिन के लिए हमारे पास रहता है, लेकिन इसमें ऐसा होता है जो चीज़ हम लाए तो उसको वापस लेकर चला जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लूप का यूज़ करेंगे कि वो हमेशा सामने रहे और उसी पर हमको लिखना है तो वो हमेशा रहना चाहिए ना। तो इसके लिए क्या होता है, टर्टल डॉट मेन लूप हम यूज करते हैं, लिखते हैं टर्टल डॉट मेन लूप, ठीक। अब मैं इसके जब कोड को रन करूंगा ना तो आप देखेंगे कि ये कोड जो स्क्रीन आई थी वो कुछ देर तक रुकेगी, तो ये देखेंगे। तो जब आप पहली बार कोड रन करेंगे तो ये ऐसा कुछ स्क्रीन आएगी, और ये एक जो ये है इसको हम टर्टल बोलते हैं। ये क्या है, ये इस स्क्रीन के हमेशा बीचों बीच में रहेगा। अगले वीडियो में थोड़ा सा कोऑर्डिनेट
यानी कि गणित के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि ये स्क्रीन का कैसे वर्किंग है, क्योंकि हो सकता है आपको स्क्रीन के बारे में ना मालूम हो कि कैसे वर्क करती है। तो मैं अगले वीडियो में थोड़ा सा स्क्रीन के बारे में बताऊंगा और फिर अच्छे से कोडिंग आपको समझ में आएगी कि कैसे वर्क करती है, ये बीच में ही क्यों है, ये इस कॉर्नर पर क्यों नहीं है, या फिर इस कॉर्नर पर हमको करना है तो यहाँ पर क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग जरूरी तो है ना कि हमेशा बीच से स्टार्ट करें लिखना। हो सकता है कभी हमको यहाँ पर लिखना पड़े, हो सकता है कभी यहाँ पर कला बनाना है, या फिर यहाँ पर कुछ भी बनाना हो सकता है ना। तो वो सब कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये बीच में क्यों है, क्योंकि जैसे कि अगर आपको मालूम है, मैं थोड़ा सा एक, अगर आप मैथ कभी पढ़े होंगे तो ये आप चीज़ जरूर पढ़े होंगे, ये क्लास 9 से स्टार्ट हो जाता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स और इसको नेगेटिव एक्स, ये वाई होता है और ये नेगेटिव वाई होता है। तो ऐसे स्क्रीन है, इस साइड में पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, इस साइड में नेगेटिव है, और ये क्या है, 0,0। तो जब भी टर्टल स्टार्टिंग में बाय डिफॉल्ट हमेशा इसी बिंदु पर रहता है, जिसको हम ओरिजिन और हिंदी में मूल बिंदु बोलते हैं, तो हमेशा टर्टल यहीं पर रहेगा। तो मैं एक जो कमांड भी लिखा था वो भी यहाँ पर लिख देता हूँ, टर्टल डॉट मेन लूप। अब इस चीज को मैं क्या करता हूँ, वहां से कॉपी कर लेता हूँ। और इसको मैं अपने ब्राउजर पर पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल भी कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर मैं रंग का बटन क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि कुछ नहीं हुआ, केवल एक यहाँ पर स्क्रीन आ गई है, जो कि आपको सेम ऐसे ही दिख रही थी, और ये सेंटर है तो इसमें वो चीज़ नहीं दिखा दिख रहा है कि ये स्क्रीन नई आई या नहीं, क्योंकि इसमें स्क्रीन पहले से ऐसे ही रहती है। इसलिए मैं विजुअल स्टूडियो पर कोड रन करके दिखा दिया था, और इससे उन बच्चों को भी फायदा होगा जो कि पाइथन अपने लैपटॉप पर यूज़ करते हैं, या फिर ऑनलाइन कंपाइलर नहीं यूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए था। इस पर मैं ऑफलाइन के लिए यानी कि लैपटॉप पर चलाने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि कैसे हमको ऑफलाइन चलाना है। तो ये भाई हो गया, स्क्रीन हमको मिल गई, अब हम इस पर लिखना पढ़ना हम इसको स्टार्ट करना पड़ेगा ना। आप कुछ एक दो कलर थोड़ा सा बना लेंगे कि लाइन बना लें, उसके बाद में अगली वीडियो में और अच्छे से डिटेल करेंगे। अब हमको क्या बनाना है, एक समझ दो ओरिजिन पे तो हमारा टर्टल आ गया, अब इसको हमको कहाँ पर ले जाना है, सामने लेकर जाना है, कितना दूर, 100। यहाँ पर सारे काम क्या होंगे, पिक्सल में होंगे, ठीक। अब 100 पिक्सल, अब ये क्या है, इसमें दो डायरेक्शन होती है, एक फॉरवर्ड आगे जा सकते हो, और एक क्या होगा, बैकवर्ड। और इसको क्या बोलते हैं, इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, ब्रेकेट लगाएंगे दो साइड में। आप ब्रेकेट लगाना ना बोले, क्योंकि इसमें आपको एरर आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या डाल दें, 100 डाल दें, तो ये जो टर्टल था वो 100 पिक्सल आगे चला जाएगा। अब भाई ये तो आ गया, लेकिन हमारे पास अभी पेन तो आया नहीं, तो हम लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले पेन बनाना पड़ेगा हमको। तो पेन बनाने के लिए क्या करेंगे, पेन की कमांड देंगे। तो पेन बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, समझ लो मैं अब रेड से ही लिखता हूँ, टर्टल, टर्टल अपना क्या है, इम्पोर्ट की हुई लाइब्रेरी, और पेन लिख देंगे टर्टल डॉट पेन, और ब्रेकर लगा देंगे, ब्रेकर लगाना बिल्कुल ना भूलें, और इसको मतलब टी में स्टोर कर देंगे। अब ये इतना बार बार लिखने से अच्छा है कि मैं इसको छोटा कर दूं, तो इसलिए मैं इसको टी कर दिया हूं, यानी कि इसको मैं टी से हटाकर पेन ही लिख देता हूं, ठीक। अब पेन पेन क्या लिखूंगा, पेन, अब ये अपना पेन होगा पेन डॉट फॉरवर्ड। पेन से कहा कि भाई तू 100 पिक्सल आगे जाओ, तो क्या होगा, 100 पिक्सल आगे जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको लिखकर दिखाता हूँ, सबसे पहले तो टी कर लो, हाँ टी कह रहा हूँ, पेन स्कूल टू टर्टल डॉट पेन, और ये लगा दिया ब्रैकेट। अब ये पेन मेरे हमारे पास आ गया, अब देखो मैं इसको फिर से एक बार रन करता हूँ, देखूंगा आप कुछ, आपको कुछ दिखाई नहीं दिया, इसको मैं एक बार फिर से उस
विजुअल स्टूडियो पर भी रन कर देता हूँ। आप देखेंगे कि कुछ फर्क नहीं पड़ा, विंडो वैसे की वैसे ही है। अब मैं इसको फिर से एक बार क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ पेन डॉट फॉरवर्ड, और कितना कर देता हूँ 100 पिक्सल। ठीक, अब मैं रन कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये आकर स्क्रीन चली गई, इतना तेजी से ये काम हुआ है। तो मैं इसको सारी चीजें यहाँ पर रन करके दिखाता हूँ ब्राउजर पर। तो फिर आप देखेंगे कि ये स्क्रीन आई और गायब होकर चली गई, आपको कुछ शायद ना दिखा हो। और एक मेथड ये होता है, और एक दूसरा मेथड क्या होता है कि आप इस चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं, पेन इज इक्वल टू टर्टल डॉट कैपिटल टर्टल। अब ये भी क्या होता है, ये पेन की फंक्शनैलिटी हमको दे देता है, और हम पेन को फिर से यूज करेंगे तो पेन डॉट फॉरवर्ड करके यूज कर सकते हैं। ठीक, तो अब मैं आपको यहां पर लिख कर दिखा देता हूं। ये आपने देखा है कि मैं जैसे ही रन किया, ये यहां से एरो यहां पर तक गई और ये एरो हमारे पास बन गई, हमने क्या कहता है 100। अब इसको मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूं, 100 के बजाय मैं इसको 200 कर देता हूं और अब रन कर देता हूं। आप देखेंगे कि 200 आगे गए। तो ऐसे बहुत सारे इसी का यूज़ करके हम कई सारे सेव बनाएंगे, और इसका कलर भी चेक करेंगे, बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, और काफ़ी कुछ करेंगे। तो आशा करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, और मैं इसका अगला पार्ट अगले दिन अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं एक मिनट में इसको बैकग्राउंड बैकवर्ड भी आपको चलाकर दिखा देता हूँ कि बैकवर्ड चलने पर क्या होता है। ये BACK कर देता हूँ और रन कर दिया। तो आप देखेंगे कि ये बैक साइड में टर्टल को बिना घुमाए ही मैंने बैक साइड पर कर दिया, तो ये टर्टल सीधा का सीधा बैकवर्ड में जाकर ये एरो बना दिया। ठीक, तो अब कैसे ये पेन चलता है तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं ना, कि आगे आपको ये भी बताना पड़ेगा कि पेन अप करना बताऊंगा, डाउन करना भी बताऊंगा कि पेन अप कैसे होता है डाउन, और फिर एक पार्टिकुलर जगह पर कैसे ले कर जाते हैं तो भी बताऊंगा। उससे पहले एक वीडियो इस पार्टिकुलर टॉपिक पर आएगी कि ये स्क्रीन कैसे वर्क करती है, और स्क्रीन में कहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई, और इन वीडियो से आप बहुत यानी कि बहुत थोड़ा सा आइडिया आपको हुआ फॉरवर्ड बैकवर्ड कैसे चलाते हैं। अगले वीडियो में मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, उसके बाद में आपको और कोडिंग के बारे में नॉलेज होगा, और आपको मज़ा आएगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बच्चों वाली चीज़ है। अगर आप किसी भी क्लास में है, 6th 7th 8th या फिर ग्रेजुएट हो चुके हैं, अगर सीखना चाहते हैं तो ये सीखने के लिए आपको बिल्कुल फ्री में सीख भी रहे हैं, और आपको सब चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, एंड बाय बाय, सी हैव अ गुड डे। अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।